हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ CFT। हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का डिस्कशन कर रहे थे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एप्लीकेशन हमने समझा था ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब हम जो CFT का एप्लीकेशन देखेंगे दैट विल बी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब सबसे पहले व्हाट इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता। हाइब्रिडाइजेशन हमने ऑलरेडी देखे थे उसका, दैट इज sp3। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कि आपका जो सेंट्रल मेटल है उसको लिगेंड्स कुछ इस तरीके से अटैच रहेंगे। दैट मीन्स लिगेंड्स विल बी अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल। लिगेंड्स जो है ये सेंट्रल मेटल को अटैच होते हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब अगर सपोज आपने व्हेन यू ड्रॉ एक्सिस, तीन एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, ये जो है ब्लैक में निकल, मैं इसको अलग कलर से निकाल दो एक्सिस को, ताकि आपको एक्सिस और लिगेंड के बीच में डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, हम ये कंसिडर करेंगे जब भी एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, वेन एवर अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब भी बनेगा ना, तो उसमें हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स का डायरेक्शन, लिगेंड्स का जो डायरेक्शन है इट इज नॉट गोइंग टू कोइंसाइड विथ एनी ऑफ द एक्सेस। जैसे कि देखो अब ध्यान से, ये है हमारी सपोज एक्स एक्सेस, दिस इज सपोज योर वाई एक्सेस, और ये जो वर्टिकल मैंने ब्लू लाइन में निकाला दैट इज सपोज जेड एक्सेस। जब भी कोई आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लिगेंड जो रहेगा, लिगेंड का डायरेक्शन, जो इनकमिंग लिगेंड का डायरेक्शन है, इट इज इन बिटवीन द एक्सेस, इट इज इन बिटवीन द एक्सेस। आपका जो एक्सेस है एक्स और वाई उसके बीच में, या एक्स और जेड उसके बीच में आपके लिगेंड्स प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि वेन यू कंसिडर अप्रोचिंग ऑफ लिगेंड, वेन यू कंसिडर अप्रोचिंग ऑफ लिगेंड टूवर्ड द सेंट्रल मेटल, तो आपके लिगेंड के सामने जो ऑर्बिटल्स आएंगे दैट विल बी द प्लेनर ऑर्बिटल। क्यों प्लेनर ऑर्बिटल? प्लेनर के ऑर्बिटल जो है उसमें ऑर्बिटल का जो लोब है दैट इज इन बिटवीन द एक्सेस, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनके जो लोब्स होते हैं इनके लोब्स एक्सिस के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ध्यान से, सपोज ये है आपकी एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस के बीच में यहाँ पे ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल। अब आपका जो इनकमिंग लिगेंड है ये डायरेक्शन में आ रहा है, टेट्राहेड्रन का जो कॉर्नर होता है इट इज इन बिटवीन द एक्सिस, तो ऑब्वियसली अगर इनकमिंग लिगेंड की डायरेक्शन बिटवीन द एक्सिस है तो आपके जो प्लेनर ऑर्बिटल है, प्लेनर ऑर्बिटल, प्लेनर ऑर्बिटल मतलब जिनके लोब्स जो है एक्सिस के बीच में है, ऐसे टाइप के ऑर्बिटल्स लिगेंड के सामने आ जाएंगे। ऐसे टाइप के ऑर्बिटल्स जैसे ही लिगेंड के सामने आ जाएंगे तो लिगेंड की स्ट्रेंथ की वजह से वो स्प्लिट हो जाएंगे, और जब वो स्प्लिट होंगे तो आपके जो प्लेनर ऑर्बिटल है दैट विल अचीव हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो समझना है वो ये, इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द लिगेंड्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन, दैट मीन्स द लिगेंड्स विल बी प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सेस। सेकेंड पॉइंट, वेन द लिगेंड अप्रोचेज द सेंट्रल मेटल, वेन द लिगेंड अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल, जब आपका लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेगा, व्हेन द लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल, तो क्या होगा, आपका जो प्लेनर ऑर्बिटल है यानी जिस ऑर्बिटल का लोब इन बिटवीन द एक्सिस है वो लिगेंड के सामने आएगा, तो आपका जो लिगेंड है वो क्या करेगा, ऑर्बिटल को जो उसके एग्जैक्ट सामने आ रहा उसको हायर एनर्जी लेवल पे ढकल लेगा। तो इसकी स्प्लिटिंग जो रहेगी वो आपको ध्यान से समझना है। तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सपोज ये मेरे
डी ऑर्बिटल से, दिस डी ऑर्बिटल आर एट ग्राउंड स्टेट. अब जैसे ही लिगैंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच होता है तो आपके ग्राउंड स्टेट के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होना चालू हो जाते हैं, दे गेट एक्साइटेड, और एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचने के बाद उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है. अब क्या पॉइंट होगा कि आपका लिगैंड जब अप्रोच करेगा किसको, हमारे ऑर्बिटल्स को, व्हेन द लिगैंड इज गोइंग टू अप्रोच ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल को अप्रोच करने के बाद में आपके जो डी ऑर्बिटल्स है, जैसे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये ऑर्बिटल्स हाइयर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, और जो ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी पे रहेंगे दे विल बी डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर. डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, ये ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी पे रहेंगे. जो ऑर्बिटल्स हाइयर एनर्जी पे जाएंगे इनको हम बोलेंगे टी टू जी ऑर्बिटल्स, दिस ऑर्बिटल्स विल बी कॉल्ड एज टी टू जी. और जो ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी पे जाएंगे दे विल बी रिप्रेजेंटेड एज ई जी. तो हमारे दो ऑर्बिटल रहेंगे, एक रहेगा टी टू जी, दूसरा रहेगा ई जी. अब इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो स्प्लिटिंग रहेगी, ठीक है, ये स्प्लिटिंग को हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टी से. पिछले वाले वीडियो में हमने जो स्प्लिटिंग देखे थे उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था डेल्टा ओ से, क्यों, दैट वाज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अब दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस ये है कि इसमें टी टू जी ऊपर है, पिछले वाले में ई जी ऊपर था, इसमें ई जी नीचे है, उसमें टी टू जी नीचे था. इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब आपका ये जो रहेगा दिस विल बी द बेस लाइन, इसकी जो एनर्जी की वैल्यू है दैट इज 0.4 डी क्यू, या 4 DQ बोल सकते हैं आप इसको, 4 DQ, जिसको हम 2/5 डेल्टा टी लिख सकते. इसकी जो वैल्यू है दैट इज 3/5 डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम 6 DQ, या फिर इसको 2/5 को हम 0.4 बोलते, 0.4 डेल्टा टी, तो 0.6 डेल्टा टी. अगर सपोज आपका इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल में जाता, दैट इज डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर या डी जेड स्क्वेयर में, तो आपका कंपाउंड स्टेबल बनेगा. अगर सपोज इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो वो किस में जाएगा, सॉरी, ऊपर अगर जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा. अब पहले बार हमने क्या कंसिडर करे थे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा, ठीक है, तो वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड पे डिपेंड करता. इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपका पहला इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही जाएगा ईजी में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नीचे ही जाएगा ईजी में, क्योंकि अबव प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए. अब आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, एंट्री ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, द एंट्री ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल में जाएगा ईजी में, ये ऊपर जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ योर लिगैंड. अगर आपका लिगैंड स्ट्रांग फील्ड है, अगर आपका लिगैंड स्ट्रांग फील्ड है, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसे टाइप का लिगैंड जिसमें जो लिगैंड की जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर आपका लिगैंड स्ट्रांग फील्ड है तो वो नीचे चले जाएगा थर्ड इलेक्ट्रॉन, और नीचे जाके पेयर हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दैट विल बी कॉल्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. अगर आपका लिगैंड वीक फील्ड है तो वो कहाँ चले जाएगा, इट इज गोइंग टू गो इन टू टी टू जी एनर्जी लेवल, और आपका जो कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा दैट विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिक सा पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए. तो हाउ कैन यू स्टडी और हाउ कैन यू अप्लाई CFT टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड के डायरेक्शन है ये इट इज ऑलवेज इन बिटवीन द एक्सेस. सपोज ये एक्सेस है आपका तो लिगैंड बीच में है, इन बिटवीन द एक्सेस. अब एक्सेस के बीच में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते प्लेनार,
प्लेनर वाले कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो ऑब्वियसली लिगेंड के सामने ये ऑर्बिटल आ रहे हैं, इसके लिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं और डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर लोअर एनर्जी पे जाते हैं। तो ई जी इज एट लोअर एनर्जी लेवल एंड टी टू जी इज एट हायर एनर्जी लेवल। टी टू जी हायर एनर्जी लेवल पे है और ई जी लोअर एनर्जी लेवल पे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे इसके, वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन हमारे को देखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीएफटी, जिसके बेसिस पे आपको इसके जो क्वेश्चन है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। बिफोर स्टडिंग एप्लीकेशन पॉइंट वी नीड टू स्टडी अ इम्पॉर्टेंट सीरीज। ये सीरीज को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसके बेसिस क्या है वो आपको मालूम रहना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, डिफाइन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डिफाइन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिफाइन करो। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? बेसिकली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें लिगेंड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज किया गया है, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द सीरीज ऑफ, इज द सीरीज ऑफ लिगेंड्स, इज द सीरीज ऑफ लिगेंड्स इन विच लिगेंड्स, इन विच लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द सीरीज ऑफ लिगेंड्स इन विच लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन, इन विच लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन, अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ देयर सी एफ एस ई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब आपको क्या करना है, आपको एक सीरीज दी हुई रहेगी, वो सीरीज के बेसिस पे आपको ये ध्यान आ जाएगा कि कौन सा वाला लिगेंड स्ट्रांग फील्ड है और कौन सा वाला लिगेंड वीक फील्ड है। तो व्हाट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द सीरीज इन विच, एक ऐसी सीरीज है जिसमें ये बताया गया है कि कौन से लिगेंड की एनर्जी ज़्यादा है और कौन सी कम। ये सीरीज में लिगेंड्स को अरेंज किया गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है। अभी जो सीरीज है, ये सीरीज आप लिख लो, प्लीज राइट डाउन दिस सीरीज। सीरीज में सबसे हायर स्ट्रेंथ है सी ओ का, कार्बोनिल, उसके बाद में आएगा सी एन, सी एन के बाद में आएगा ई एन, सी ओ, सी एन, ई एन, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा आपका दैट इज एन एच थ्री अमोनिया, अमोनिया के बाद में जो आएगा दैट इज ई डी टी ए, ई डी टी ए मतलब इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिड एडो, जो कि एक एक्साइडेंटेड लिगेंड है। सी ओ, सी एन, ई एन, एन एच थ्री, ई डी टी ए, उसके बाद में जो नंबर है आपका दैट इज ऑफ एन सी एस, एन सी एस के बाद में इट इज एच टू ओ एक्वा। एक्चुअल में ये सीरीज में एक्वा थोड़ा आगे आना चाहिए, बट ये सीरीज में एक्वा को एन सी एस के बाद में रखा गया है। तो हम बोलेंगे सबसे पहला जो सबसे स्ट्रांग लिगेंड है दैट इज सी ओ, सी ओ, सी एन, ई एन, सी ओ, सी एन, ई एन, अमोनिया, ई डी टी ए, एन सी एस, एच टू ओ। उसके बाद जो है इसमें इट इज ऑक्सैलेटो सी टू ओ फोर माइनस टू ऑक्सैलेटो, फिर उसके बाद में जो है दैट इज ओ एच माइनस, देन उसके बाद जो है दैट इज एफ माइनस, फिर उसके बाद में सल्फर, सल्फर पे माइनस टू चार्ज रहेगा सल्फाइड, देन उसके बाद रहेगा सी एल माइनस, एस सी एन माइनस, सी एल माइनस, एस सी एन माइनस, देन सी एल माइनस हो गया अपना, देन बी आर माइनस, बी आर माइनस आएगा, एंड देन उसके बाद में लास्ट में आई माइनस रहेगा, आई माइनस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ये जो सीरीज है ये सीरीज को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। व्हाट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द सीरीज ऑफ लिगेंड्स, इज द सीरीज ऑफ लिगेंड्स इन विच लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सी एफ ए सी। व्हाट इज सी एफ ए सी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
मतलब जो लिगेंड, अब जनरली क्वेश्चन आते पहले ऐसे कि किसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, बोलो। डी ऑर्बिटल डिजनरेट थे लोअर एनर्जी लेवल पे, थे ग्राउंड स्टेट में थे, फिर वो एक्साइटेड पे पहुंच जाते हैं। एक्साइटेड पे पहुंचने के बाद क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। तो कितना स्प्लिटिंग होगा ये किस पे डिपेंड करता, द अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लिगेंड। लिगेंड जो एनर्जी से स्प्लिट करवाएगा किसको, ऑर्बिटल्स को, उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे। तो CFAC में हम बोलेंगे CO सबसे ज़्यादा CFAC वाला होता है, कार्बोनिल, देन CN, देन CN माइनस बोलेंगे हम इसको, EN, इथिलीन डायमाइन, अमोनिया, अमाइन, EDDA, NCS, H2O, देन ऑक्जेलेटिव, OH माइनस, F माइनस, इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, F माइनस, S माइनस माइनस, इस पर चार्ज दे देता मैं CN माइनस। तो ये जो रहेंगे दीज आर द लिगेंड्स। ये सीरीज को आपको ध्यान ये रखना है, एंड में आएगा आपका हेलोजन, और सबसे पहले के तीन आपको तो याद रखने ही है, CO, CN, EN। और मैंने अमोनिया के लिए आपको ऑलरेडी बोला है कि अमोनिया जो है यानी अमाइन, ये कभी कभी वीक और कभी कभी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के जैसे काम करेगा। ठीक है, इतनी सीरीज लिख के रखो। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका लिगेंड कब पेयर करता है कब नहीं करता, ये सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। हमेशा जब भी आपके इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल पे है, ठीक है, पहले दो इलेक्ट्रॉन लोअर पे है, सपोज आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो एंट्री ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वेदर इट इज़ गोइंग टू गो इन EG और इट इज़ गोइंग टू गो इन T2G, ये समझने के लिए आपको पेयरिंग एनर्जी भी दी हुई रहेंगी प्रॉब्लम में। वॉट इज पेयरिंग एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर। अगर आपकी CFAC की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, अगर सपोज CFAC पेयरिंग एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन आपका हाइयर एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो अब इसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉब्लम लूँगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड आपको समझ में आ जानी चाहिए, वो आपको समझ में आ गया तो चीज़ें सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लूँगा पूरी जो ये अपनी CFT है उसका पूरा एप्लीकेशन ये वाली थ्योरी में आएगा, यानी ये वाले प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CFT आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। MN+3 आयन हैज पेयरिंग इक्वल टू P इज इक्वल टू 28000 सेंटीमीटर इनवर्स, वेव नंबर की वैल्यू है बेसिकली है। MN+3 आयन P इज इक्वल टू यानी पेयरिंग एनर्जी 28000 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मतलब हो गया है वेव नंबर है। ठीक है, एंड डेल्टा ओ फॉर कॉम्प्लेक्सेस, एंड डेल्टा ओ फॉर द कॉम्प्लेक्सेस, एंड डेल्टा ओ फॉर द कॉम्प्लेक्सेस, डेल्टा ओ फॉर द कॉम्प्लेक्सेस, डेल्टा ओ फॉर द कॉम्प्लेक्सेस, MnH2O टेकन 6 times +3, MnH2O टेकन 6 times +3, एंड MnCN, एंड MnCN टेकन 6 times -3, ये दो आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, R 21000 एंड 38500। ठीक है, इनकी वैल्यू भी सेंटीमीटर इनवर्स में दिए गए रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे ये पूछा जा रहा आपको, राइट देयर कॉन्फिग्रेशन एंड ऑल्सो स्पेसिफाई वेदर दे आर हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये क्वेश्चन में आपको सब चीज़ें पूछे गई है, A to Z चीज़ें पूछे गई है, तो हम एक एक करके सब चीज़ सॉल्व करेंगे।
सबसे पहला पॉइंट मैं एक एक करके कॉम्प्लेक्स सॉल्व करूंगा। पहला कॉम्प्लेक्स है हमारा Mn(H2O) टेकन 6 टाइम्स प्लस 3। अब आपको क्या बोला जा रहा, Mn(H2O) टेकन 6 टाइम्स प्लस 3 में इलेक्ट्रॉन्स को पेयर होने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज 21,000, 21,000 सेंटीमीटर इनवर्स इज द पेयरिंग एनर्जी। आपका जो लिगेंड है, सॉरी आई एम सो सॉरी, पेयरिंग एनर्जी ने क्या बोला गया है, Mn(H2O) टेकन 6 टाइम्स में आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसका डेल्टा हो, डेल्टा हो मतलब CFAC की वैल्यू 21,000 है। सो सॉरी, वैल्यू ऑफ CFAC इज 21,000 और पेयरिंग एनर्जी 2800 है। तो ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए आपको क्या लिखना है, आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और ये बोलना है कि आपका जो कंपाउंड है वो हाई स्पिन है या लो स्पिन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ डू वी सॉल्व। सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Mn प्लस 3 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। व्हाट इज़ द कॉन्फ़िग, अब Mn का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो दैट विल बी प्लस 3। ठीक है, Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्लस 3 है यानी ऑक्सीडेशन नंबर इज प्लस 3। तो पहले आपको मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। मैंगनीज अगर आप देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 25, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5। ओनली मैंगनीज हैज कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। आपको मैंगनीज पे प्लस 3 चार्ज दिया गया है। ठीक है, मैंने इसको अगर x कंसिडर करा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो उस पर चार्ज प्लस 3 आएगा। तो Mn प्लस 3 का जो चार्ज है वो आ जाएगा 4s0 3d4, क्या आ जाएगा, 4s0 3d4। तो आपको अब ये बताना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बहुत से बच्चे राइट कॉन्फ़िगरेशन, तो बच्चे ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के आ जाते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। आपको कॉन्फ़िगरेशन T2g और Eg के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से सुनो, आपका ये जो दिया गया कॉम्प्लेक्स है इट इज़ अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सपोज दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट, इसके पहले जो था 5 ऑर्बिटल में निकाल देता हूँ, दिस इज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, दिस वॉज GS ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट ES। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपका जो ऑर्बिटल है ये दो इसमें स्प्लिट होता है, इट स्प्लिट्स इंटू 2 ऑर्बिटल्स। कौन सा ऑर्बिटल में स्प्लिट होगा, ये ऊपर जो जाएगा दैट इज EG और नीचे जो रहेगा दैट इज T2g। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस EG इज एट हायर एनर्जी लेवल एंड T2g इज एट लोअर एनर्जी लेवल। ये पॉइंट ध्यान रहना सबको। अब इसके आगे का पॉइंट, अब टोटल डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4। अब गौर से देखो, 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है आपका मैंगनीज प्लस 3 आयन का, इसका मतलब आपका जो डी ऑर्बिटल है उसमें टोटल है 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन में से स्प्लिटिंग के बाद पहला इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही जाने वाला है अबव प्रिंसिपल से, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी नीचे ही जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी नीचे ही जाएगा, बात आएगी फोर्थ इलेक्ट्रॉन की। 3 इलेक्ट्रॉन को तो डेफिनेटली नीचे ही जाना था क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स है ठीक है उसमें टोटल है 4 इलेक्ट्रॉन और नीचे 3 ऑर्बिटल है। तो हमारे अबव प्रिंसिपल और पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी लेवल इन सिंगल मैनर, फिर पेयरिंग होती है। अब इधर हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट काम आएगा। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता कि पेयरिंग एनर्जी ये जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस है उसके लिए 28,000, कितनी, 28,000। पहला जो कॉम्प्लेक्स है आपका Mn(H2O) टेकन 6 टाइम्स, उसमें H2O की वैल्यू आप देखो कितनी है, 21,000। मतलब पेयरिंग करवाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, अब ये इलेक्ट्रॉन है बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज जब नजदीक आते तो देर इज रिपल्शन, आपको बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगी तभी आप इलेक्ट्रॉन को एक साथ रख पाएंगे। क्यों, अपोजिटली चार्ज, सॉरी दे आर सेम चार्ज वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर ना करते हुए कहाँ एंटर करेगा? इट इज गोइंग टू एंटर इन दिस ऑर्बिटल, हायर एनर्जी लेवल वाले पे। ये आपके जो T2g लेवल के जो इलेक्ट्रॉन से ये ऊपर चले जाएंगे। ये जब ऊपर जाएंगे तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाएगा। अभी ऊपर क्यों जा रहा? रीज़न, आपकी पेयरिंग एनर्जी जो है वो 28,000 है और CFSC 21,000 है। मतलब अगर H2O नाम का लिगेंड आता है और ये सोचता है कि मैं इसको पेयर करा दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन को नीचे भेज दूंगा, तो ऐसा होगा नहीं। क्यों? पेयरिंग के लिए लगती है 28,000 एनर्जी, आपके पास सिर्फ 21,000 है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो कॉन्फिग्रेशन रहेगा Mn का वो रहेगा T2g3 Eg1, Eg1, T2g3 Eg1। दिस विल बी द कॉन्फिग्रेशन, बहुत सिंपल सा कॉन्फिग्रेशन है, ठीक है। अब ये वाले कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन बोलेंगे, हाई स्पिन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3, ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अब यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब जनरली और एक एडिशनल पॉइंट आपको बता देता, आपको पूछते हैं व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ CFAC। क्या पूछा जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है पूछी जाती है। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे? 3 लोअर में, तो 3 को आप 0.4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको नेगेटिव साइन रहेगी, नीचे वाले को नेगेटिव साइन होती है। प्लस 1 × 0.6, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन को आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एनर्जी, नीचे वाले का -0.4 है और ऊपर वाले का +6 है, 0.6, तो एक इलेक्ट्रॉन इंटू 0.6 और 3 × 0.4, तो 3 × 0.4 इज 1.2 विथ नेगेटिव साइन, और नेगेटिव 1.2 प्लस 0.6 इज -0.6। तो इस तरीके से -0.6 क्या होगा? CFAC आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एडिशनल पॉइंट है, नीट JEE में पूछा जाता है। मैं आपको MCQ वगैरह में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यूज पूछी जाती है। जब बोर्ड के हिसाब से आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, तो आपको लिखना है T2g3 Eg1, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसके आगे का नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, उसमें कई क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन है, तो सॉल्विंग विल बी वेरी इजी, ठीक है। डेटा वही दिया हुआ है, सिर्फ सॉल्व करना है। जिनको समझ में आ गया खुद सॉल्व करो, जिनको नहीं समझा मेरे साथ करना है। MnCn taken 6 times, चार्ज -3। सबसे पहली स्टेज स्टेप आपको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। वेन यू नीड टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको आप कंसिडर कर लो x, तो x +6 × -1 इज -3, x की वैल्यू आ जाएगी +3, वैल्यू ऑफ x विल बी +3। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। x की वैल्यू +3 आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू +3 आ गई, जैसे ही x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। अब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +3, कॉन्फिगरेशन आ जाएगा 3d4 4s 0। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? डी ऑर्बिटल निकालेंगे, टोटल 5। ये डायग्राम निकालना भूलना नहीं, डायग्राम भी आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज GS, GS का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। अब जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और इसमें 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्साइटेड, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है, अब लिगेंड आ रहा, तो स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग जब होगी तो दो लेवल बनेंगे, एक रहेगा Eg विल बी एट हायर एनर्जी लेवल, और नीचे जो रहेगा दैट इज T2g विल बी लोअर एनर्जी लेवल। दो एनर्जी लेवल रहेंगे, Eg और T2g। अब इसके रिलेटेड का पॉइंट देखना है हमको, बहुत ध्यान से सुनो। अब
क्रिस्टल फील्ड, सॉरी, आपकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो है 28,000, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 385,000, 385,000 जो है ये कौन सी एनर्जी है, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आपका जो पहला इलेक्ट्रॉन है रूल के हिसाब से नीचे जाएगा, दूसरा भी नीचे, तीसरा भी नीचे जाएगा। एंट्री ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ब्लू से बता था आपको, एंट्री ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपका नीचे जाएगा या ऊपर, ये किस पे डिपेंड करेगा। द एंट्री ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये नीचे जाएगा या ऊपर, ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा एनर्जी पे। पेयरिंग के लिए एनर्जी लगती है 28,000, हमारे पास 38,500 है, वी हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड, देयर फॉर ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा और पेयरिंग हो जाएगी। अब देखो, नीचे की इलेक्ट्रॉन में हो गई पेयरिंग, पेयरिंग हो गई, इसका मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी आपका पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रहेगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं तो हाई स्पिन बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी T2G4, चार इलेक्ट्रॉन है T2G में, और EG0, इस तरीके से लिखना है, T2G4 EG0। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते आनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन के मार्क्स मिलते हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्म में मिलेंगे। आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, चार इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है नीचे, तो इट इज़ 4 × −0.4, वाई माइनस, इसकी नीचे जो ये सपोज बेस लाइन इज 0 तो −0.4 और ऊपर +6 है 0.6, तो ये आ जाएगा 4 × −0.4 + 0, तो आ जाएगा −1.6 विल बी द एनर्जी। तो इस तरीके से आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बेस्ड का मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका वो लो स्पिन है हाई स्पिन। तो प्लीज़ राइट डाउन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता हूँ, एक नहीं चलो दो क्वेश्चन देता, आप ही खुद से सॉल्व करो, और नहीं समझ में आया तो टेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन वेदर द कॉम्प्लेक्स, डिटरमाइन वेदर द कॉम्प्लेक्स CrH2O टेकन 6 टाइम्स, CrH2O टेकन 6 टाइम्स, टोटल चार्ज +2, इज अ लो स्पिन और हाई स्पिन, इज अ लो स्पिन और हाई स्पिन इफ इफ पेयरिंग एनर्जी इज 23500 सेंटीमीटर इनवर्स, 23500 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड डेल्टा ओ इज 13900 सेंटीमीटर इनवर्स, 13900 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑल्सो राइट द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो राइट द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसका आपको कॉन्फिगरेशन भी लिखना है, और एक एक पॉइंट लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक एक लिख लो। स्टेट वेदर, स्टेट वेदर योर कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन और हाई स्पिन इफ इफ द पेयरिंग एनर्जी इज 2880 एंड स्प्लिटिंग एनर्जी इज 21000। कॉम्प्लेक्स है MnH2O टेकन 6 टाइम्स, चार्ज +3, ये ऑलरेडी हुआ है हमारा, सॉरी अपन इसके जगह पे हो रहे कि कॉम्प्लेक्स इज FeH2O टेकन 6 टाइम्स +3, FeH2O टेकन 6 टाइम्स +3, और आपका जो पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी लिखो 30,000, 3 4 4 × 0, 3000, 30,000, और डेल्टा ओ है 13700, 13700, ठीक है। मैं एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ता, डिटरमाइन वेदर द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन और हाई स्पिन एंड राइट द कॉन्फिगरेशन इज पेयरिंग एनर्जी इज 30,000 एंड स्प्लिटिंग एनर्जी इज 13700, और जो कंपाउंड है उसका नाम है FeH2O टेकन 6 टाइम्स, चार्ज +3, ठीक है। इतना पॉइंट आपको सॉल्व करना है, फिर इसके आगे का पॉइंट और आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।